लेकिन उससे पहले ना जरा ये कंपैरिजन ऑपरेटर सारे हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इफ एल्स पढ़ते हुए हमने देखा था कि कंडीशन चेकिंग में कंपैरिजन ऑपरेटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जाहिर है कंडीशन कैसे लगाएंगे, इसी चीज़ पे लगाएंगे ना कि भाई जो वैल्यू यूज़र ने दी है वो फला वैल्यू के बराबर हो या उससे कम हो या उससे ज़्यादा हो, ठीक है, या उसके इक्वल ना हो। तो ये सारे इफ एल्स के अंदर कंडीशन जो लगाते हैं उसमें कंपैरिजन ऑपरेटर का बहुत रोल है, ठीक है। ये आपके गिटहब की रिपोजिटरी में ये मैंने डाला हुआ है। और क्या किया मैंने, ये गायब कैसे हो गया, अच्छा पता नहीं क्या क्लिक कर दिया था मैंने। तो ये आपके गिटहब की रिपोजिटरी में ये मैंने अपलोड किया था। तो जावास्क्रिप्ट में इंशाल्लाह ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर सबसे पहला जो हमारे पास है वो है इक्वल्स का ऑपरेटर, ठीक है। इक्वल्स का जो ऑपरेटर होता है ये एक बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर हम किसको कहते हैं, कोई बता सकता है, जिनको जावास्क्रिप्ट आती है अगर वो बताना चाहे, जिसके दो ऑपरेंड होते हैं, बिल्कुल सही बताया, ठीक है। जिस ऑपरेटर के दो ऑपरेंड होते हैं वो बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है। मिसाल जैसे प्लस है, जो प्लस का ऑपरेटर हम पहले पढ़ चुके हैं, तो प्लस का ऑपरेटर जो है वो बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि 2+2 होगा ना, दोनों साइड चाहिए वैल्यू, सिर्फ एक साइड वैल्यू होगी तो कैसे प्लस होगा, नहीं हो सकता, ठीक है। मैं बोलूँ 5+, तो 5+ के साथ कोई 1, 2 भी लगाना पड़ेगा ना आगे। तो दो ऑपरेंड जिस ऑपरेटर को चाहिए हो, ऐसे ऑपरेटर्स को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से ऑपरेटर हैं जिनको एक ऑपरेंड चाहिए होता है, ऐसे कौन से ऑपरेटर हैं, पढ़ चुके हैं हम, प्लस प्लस, ठीक है। मॉड्यूलस को भी दोनों साइड चाहिए होता है, एक तरफ 2 एक तरफ 5 देंगे तो उसको पता लगाएगा ना डिवाइड करके कि रिमाइंडर क्या बच रहा है, ठीक है। तो प्लस प्लस माइनस माइनस जो है ये ऐसे ऑपरेटर हैं जिसको दो ऑपरेंड नहीं चाहिए होता है, एक ही ऑपरेंड होता है, यानी कि कोई वेरिएबल होता है जिस पर प्लस प्लस लगाते हैं चलता है, ठीक है। अच्छा, तो इक्वल्स इक्वल्स क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है, और इक्वल्स इक्वल्स क्या करता है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखें, ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ना ये हमेशा क्या रिटर्न करेगा, बूलियन। ये जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर आपके सामने बने हुए हैं ये क्या रिटर्न करते हैं, बूलियन। बूलियन के अलावा इसको समझ वो नहीं आता कोई, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा इक्वल्स इक्वल्स के लिए ना एक फाइल बना लेते हैं, उसमें हम ये इसको चला के भी देखते हैं। 13 कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी थी, ये सही स्पेलिंग आ गई, सही है जी। अब मैंने ये कर स्क्रिप्ट बना ली। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर हम सबसे पहले कौन सा देखने जा रहे हैं, इक्वल्स इक्वल्स। मैंने कहा कि भाई लेट रिजल्ट इक्वल्स टू, क्या मैंने कहा, मैंने कहा 3 = 5, ये मैंने एक बात लिखी है। अब ये जो, अच्छा एक तो सिंगल इक्वल्स है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। ये क्या है, सिंगल वाला जो इक्वल होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। तो इसकी प्रेसिडेंस सबसे लास्ट में होती है, इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर इसकी हमने शुरू में देख लिया था जब हम ऑपरेटर की प्रेसिडेंस पढ़ रहे थे कि ये इक्वल को सबसे लास्ट में करेगा। सबसे पहले किसको करेगा, ये इस वाले इक्वल्स को करेगा, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। सब लोगों को याद है वो वाली क्लास जो हमने ऑपरेटर की प्रेसिडेंस देखी थी और उसमें एक लिस्ट देखा था हमने, ठीक है। वो यहाँ पे उसके एक क्लास का नाम भी होगा, ये रिटर्न वैल्यू एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस, क्लास नंबर ये 8 जो आपकी लिखी हुई आ रही है, इसमें हमने ये बात पढ़ी थी, ठीक है। अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो जाके उसकी रिकॉर्डिंग वो देख सकता है, यूट्यूब पर पड़ी हुई है। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा,
ठीक है, क्योंकि 3 और 5 इक्वल नहीं है, तो इन दोनों का रिजल्ट फॉल्स, यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है। रिटर्न हम पहले देख चुके हैं कि रिटर्न क्या होता है, कि वो चीज़ खुद हट जाएगी, उसकी जगह कोई दूसरी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये जो मैंने बात लिखी है ये इवेल्यूएट होगी एक सिंगल वैल्यू पे जो कि होगी फॉल्स, और वो होगी इसकी रिटर्न वैल्यू, ठीक है। एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है, रिटर्न वैल्यू भी बोलते हैं उसको, बोलते हैं इवेल्यूएट होगी सिंगल वैल्यू पे, तो वो भी असल में वही चीज़ हो रही होती है। अच्छा, तो रिजल्ट के अंदर फॉल्स चला जाएगा। अच्छा, तो फॉल्स को मैं क्या करवा देता हूँ, स्क्रीन पे प्रिंट करवा के देख लेता हूँ। अच्छा, ये 3 और 5 बाई द वे इस तरह से नहीं होगा, ये 3 और 5 कोई यूज़र इनपुट दे रहा होगा जिसको हम कंपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। ये कोई यूज़र होगा जो इनपुट दे रहा होगा, ये हमेशा ऐसे हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं होगी। अभी तो मैंने ऐसे ही लिख दिया ना कि 3, तो हमेशा ही फॉल्स होगा ये, तो कंडीशन चेक करने का फ़ायदा क्या है, मैं डायरेक्ट फॉल्स ही लिख दूँ मेरी आपने सही है ना। हार्ड कोडेड जो मैंने अभी हाथ से वैल्यू लिखी हुई ना 3 और 5, ऐसे हम रियल में कभी भी नहीं लिखते। रियल में हमेशा यूज़र का इनपुट आ रहा होगा, यूज़र का इनपुट हम लेना सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो यूज़र का इनपुट आएगा, मे बी 2 यूज़र हैं, ठीक है, एक आप हैं एक मैं हूँ, हम दोनों एक ही ऐप को इनपुट दे रहे हैं, तो हम दोनों का इनपुट कंपेयर किया जा रहा है कि दोनों ने क्या एक ही नंबर दिया है, ठीक है। जो लॉटरी की ऐप्स होती हैं वो इसी तरह काम करती हैं, ठीक है, कि एक कंपनी नंबर इशू करती है, दूसरे यहाँ से यूज़र तुक्के लगा रहे होते हैं, जिसका मैच हो जाता है उसकी लॉटरी, यही हो रहा होता है, तो इस तरह की ऐप में ये हो रहा होता है अल्टीमेटली। तो ये फॉल्स को मैंने प्रिंट करवा दिया, इसको ज़रा चला के देखते हैं, कॉपी पाथ, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं कि कंसोल पे क्या प्रिंट हुआ है, ठीक है। कंसोल को मैंने क्लियर किया, रिफ्रेश किया, कंसोल पे फॉल्स प्रिंट हो गया। तो ये हमने पढ़ लिया पहला कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल्स इक्वल्स। अच्छा, अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको रोक दूँ और मैं बोलूँ कि भाई 5 इक्वल्स इक्वल्स 5, तो अब ये स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगी, मुझे ट्रू रिटर्न करेगी और वो ट्रू रिजल्ट में चला जाएगा। तो अब देखते हैं ट्रू होता है या नहीं होता, ये अब ट्रू हो गया, ठीक है। तो हमें पता चला है कि दोनों साइड की वैल्यू अगर इक्वल होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इक्वल नहीं होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अच्छा, अब अगर मैं इसको बोल दूँ, ये वाला फॉल्स रिटर्न किया था, ये वाला ट्रू रिटर्न किया था। अच्छा, अब अगर मैं इसको कह दूँ स्ट्रिंग में 5, तो अब क्या ये ट्रू रिटर्न करेगी या फॉल्स? हाँ भाई, कितने लोगों का ख्याल है कि फॉल्स रिटर्न होगा? डेटा टाइप चेक होती है इसके अंदर, और कितने लोगों का ख्याल है कि ट्रू हो जाएगा? अच्छा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, सही है, देख लेते हैं वो क्यों फॉल्स रिटर्न करेगा। क्योंकि ये लिखा हुआ तो 5 है, लेकिन इसकी डेटा टाइप अलग है, इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में एक और भी माइंड ब्लोइंग चीज़ है कि अगर आप इसको 2 से 3 इक्वल से 2 इक्वल कर देना तो फिर ये डेटा टाइप को चेक नहीं करता। अब ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, ठीक है। ये सिर्फ इक्वालिटी के ऑपरेटर में, बाकी लेस देन ग्रेटर देन में ये चीज़ नहीं है, ये सिर्फ इक्वालिटी के ऑपरेटर में क्या है, ठीक है, और वो भी इस स्पेसिफिक केस में कि दो साइड में क्या हो, दोनों साइड में नंबर हो और एक ही नंबर हो, लेकिन एक तरफ डेटा टाइप अलग हो, एक तरफ डेटा टाइप अलग हो, ठीक है। तो इस केस में यह ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये सिर्फ एक स्पेसिफिक केस है जिसके अंदर ऐसा हो रहा है, इससे बिल्कुल भी ये एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है कि जावास्क्रिप्ट में इस तरह की और भी वाहियात चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। इसमें ट्रू रिटर्न करेगा अभी फिलहाल। आपका सवाल क्या है? नहीं, अगर यहाँ पे W लिखा हुआ होगा फिर तो ऑफ कोर्स ये फॉल्स कर देगा ना उसको। अगर W लिखा हुआ होगा, एक 5 है एक तरफ W है, तो फिर तो जाहिर है वो फॉल्स करेगा, फिर तो ट्रू नहीं करेगा। लेकिन वैल्यू दोनों तरफ एक होनी चाहिए, और डेटा टाइप अगर अलग भी है ना, तो डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू का ये फ़र्क है, ठीक है। आमतौर पर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये ट्रिपल इक्वल्स टू होता है सिर्फ, ठीक है। आमतौर पे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सिर्फ ट्रिपल इक्वल्स टू वाला काम होता है, ये डबल इक्वल्स टू सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर है, ये और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता है, ठीक है।
अच्छा, क्योंकि एक ही होता है दूसरी लैंग्वेजेस में, तो उसमें तीन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, दो ही लगाते हैं हम, ठीक है। तो डबल इक्वल्स टू होता है बाकी लैंग्वेजेस में, लेकिन वो काम यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू इसलिए कि एक स्टेप ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट की स्पेशलिटी है। तो यहाँ पे ये ट्रू करेगा, देखते हैं जी ट्रू करता है या नहीं करता है, ठीक है, ट्रू कर दिया इसने। अच्छा, अब इक्वालिटी ऑपरेटर में और क्या हो सकता है, दो स्ट्रिंग हो सकते हैं आपस में, अच्छा। अब ये क्या रिटर्न करना चाहिए, अच्छा अब दोनों तरफ स्ट्रिंग है ना, ठीक है, तो मैं डबल इक्वल्स टू लगाऊं या ट्रिपल इक्वल्स टू लगाऊं फर्क नहीं है, एक ही बात है, ठीक है, स्ट्रिंग में ऐसा कोई केस नहीं है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स करेगा, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में रेकमेंडेड होता है कि आप ट्रिपल लगाएं, डबल का इस्तेमाल आप ना करें, ठीक है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे भी कैट लिख दूँ तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, कितने लोगों का ख्याल है कि फॉल्स रिटर्न करेगा और कितने लोगों का ख्याल है ट्रू। अच्छा, जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसके अंदर अगर कैपिटल सी से कैट लिखा हुआ है और एक स्मॉल सी से कैट लिखा हुआ है, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, चाहे मैं ट्रिपल इक्वल्स टू लगाऊँ चाहे मैं डबल लगाऊँ, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर डबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रिपल इक्वल्स ही चलता है, तो ये दोनों क्या है, ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये सी वजह से फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, ये ट्रू नहीं करेगा। अगर ये केस सेंसिटिव नहीं होती, अच्छा मैं जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को आज तक जानता हूँ ना, वो सब केस सेंसिटिव है, ठीक है। मैंने जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, जैसा कि सी लैंग्वेज, सी शार्प, जावा, कॉटलिन, स्विफ्ट, पाइथन, ये भी केस सेंसिटिव है, रस्ट थोड़ी सी पढ़ी है मैंने, वो भी केस सेंसिटिव है। तो जितनी मैंने देखी आज तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, केस सेंसिटिव सारी होती हैं, ठीक है। तो ये बाई डिफ़ॉल्ट आप जहन में रखें कि प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी बात लिखी हुई है ना, अगर कैपिटल में और वही सेम बात स्मॉल में लिखी हुई, तो वो दो अलग अलग वैल्यू में। अच्छा, तो ये हमने थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए इक्वालिटी के ऑपरेटर के साथ। अच्छा, यही सेम काम एक होता है, दैट इज क्या कहलाता है, नॉट इक्वल्स टू, सही है, नॉट इक्वल्स टू एक ये ऑपरेटर है, ठीक है। यहाँ अगला ऑपरेटर जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इक्वल्स के बाद नॉट इक्वल्स लिखा हुआ है ना, ये हमारा अगला ऑपरेटर है। अच्छा, ये जो ऑपरेटर है ये क्या करता है, अगर दोनों तरफ जो वैल्यू है अगर वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है जब ट्रू रिटर्न करता है, तो अभी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि दोनों तरफ की वैल्यू एक जैसी नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये अपोजिट है, इक्वल्स का अपोजिट है। तो जो जो काम ऊपर हमने देखे हैं ना इक्वल्स से हो रहे हैं, सारे वही काम इससे भी होते हैं, लेकिन ये अपोजिट है। इक्वल्स टू लगाने पे अगर जो चीज़ ट्रू रिटर्न कर रही है ना, ये उस पर फॉल्स करेगा, और इक्वल्स टू लगाने पे जो चीज़ फॉल्स कर रही है उसको ट्रू करेगा, ठीक है। तो इसमें ये ट्रू करेगा क्योंकि ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं इसमें वही वाली वैल्यू लिख दूं 5 और एक तरफ 5, हाँ भाई ये ट्रू या फॉल्स है। अच्छा, ट्रू रिटर्न करने के लिए ना दोनों वैल्यू एक जैसी नहीं होना जरूरी है, जब दोनों वैल्यू एक जैसी नहीं होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं या नहीं है, ये दोनों एक जैसी वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे उसमें था ना एक इक्वल कम कर सकता था मैं, तो इस नॉट में भी मैं एक इक्वल कम कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये क्या रिटर्न करेगा, अब ये दोनों वैल्यू एक जैसी हो गई है। अब ये पहले तो ये था ना कि एक तरफ 5 था, एक तरफ दूसरे तरफ भी 5 था, लेकिन वो डेटा टाइप अलग थी, तो स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू में वो बोलेगा कि नहीं यार ये एक जैसी नहीं है, मैंने इसमें भी एक इक्वल क्या कर दिया, कम कर दिया, तो अब ये उस रिस्ट्रिक्शन से नहीं करेगा, अब डेटा टाइप को ये चेक नहीं करेगा, ये सिर्फ वैल्यू को चेक करेगा, तो वैल्यू तो एक है। इस केस में जैसा कि दोस्त ने कहा था कि जब हम ट्रिपल इक्वल्स टू लगाते हैं तो ये पहले वैल्यू चेक करता है फिर डेटा टाइप भी चेक करता है,
ठीक है। डबल के अंदर क्या करता है, डेटा टाइप को चेक नहीं करता है, सिर्फ वैल्यू को चेक करता है। तो अब मुझे ये बताएं आप कि इस तरफ की वैल्यू और इस तरफ की वैल्यू, दोनों तरफ फाइव लिखा हुआ है, ठीक है, और ये ऑपरेटर जब दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल नहीं होगी जब ट्रू रिटर्न करेगा, तो अभी तो इक्वल है तो अभी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट कि आया ये वाकई फॉल्स रिटर्न करता है या नहीं है। ठीक है, फॉल्स रिटर्न कर दिया, ऊपर वाले में ट्रू रिटर्न। देखो ये जो है ना, इस तरफ की वैल्यू और इस तरफ की वैल्यू ये तो सेम है, लेकिन ये क्योंकि डेटा टाइप को भी चेक करता है तो डेटा टाइप इक्वल नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। चल के देख लेते हैं, सॉरी एक मिनट, हाँ ट्रू होगा ना, सही कह रहे हो, क्योंकि इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं होने पर ये ट्रू रिटर्न करता है। सही कहा, बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है, दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल नहीं होती है तो ट्रू करता है ना, तो ट्रू करेगा, बिल्कुल सही कहा, ठीक है, ट्रू हो गया। अच्छा, तो ये हमने थोड़ा सा कंपैरिजन ऑपरेटर का ऑपरेशन करके देख लिया, किसका, इक्वालिटी ऑपरेटर का। अच्छा, इक्वालिटी ऑपरेटर सबसे मुश्किल है इसमें समझने के अतबार से, बाकी सारे आसान है, ठीक है, बाकी सारे क्या है, आसान है। अच्छा, तो ये हमें पता चल गया कि भाई इक्वालिटी ऑपरेटर ना एग्जैक्टली कैसे काम करता है। अब यही इक्वालिटी ऑपरेटर जो है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, इफ एल्स के अंदर भी, जहाँ जहाँ कंडीशन चेकिंग होगी ना वहाँ वहाँ पे ये इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, अब अगला ऑपरेटर हमारे पास जो है वो है लेस देन और ग्रेटर देन। लेस देन और ग्रेटर देन वो एक साथ ही है, असल में एक ही चीज़ है, ठीक है, एक लेस एक ग्रेटर देन। अगर मैं कहता हूँ कि 5 इज लेस देन 5, तो असल में मैं क्या कह रहा हूँ, असल में मैं इन दोनों को कंपेयर करवा रहा हूँ कि आया के 5 ये वाला जो साइड पे जो वैल्यू है वो छोटी है और ये वाली साइड पे बड़ी है, क्या ऐसा है, अभी तो नहीं है, अभी तो बराबर है दोनों। अच्छा भाई, देखिए लेस देन और ग्रेटर देन में किसी को प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन होती है कि यार कौन सा लेस देन है कौन सा ग्रेटर देन है, भूल जाता है बंदा। अच्छा, तो तुमने एक यानी अपना रूल बनाया हुआ है। अच्छा, एक रूल मैंने भी बनाया हुआ है अपने समझने के लिए, मैं वो आपसे शेयर कर देता हूँ, आई होप के वो आपको हेल्प करे। अच्छा, एक तरफ एक वैल्यू है x, ठीक है, और आपने लिखा इक्वल, और दूसरी तरफ भी एक वैल्यू है, इसका मतलब है कि वो इक्वल है। अब इसको इमेजिन करो कि ये जो बीच वाला आइटम है ना, ये क्या है, एक तराजू है, सही है, ये तराजू का हाथ में पकड़ने वाला बन गया, ऐसे लटकाने वाला, और इस तरफ ये वैल्यू एक लटकी हुई है और इस तरफ एक वैल्यू ये लटकी हुई है, ऐसे इमेजिन कर लो। अब अगर ये वैल्यू हो जाती है बड़ी, यानी कि ये हो गया 7 और ये हो गया 5, तो इस वाली का वजन क्या है, हल्का है, तो ये वाला क्या चला जाएगा, ऊपर, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, नीचे। हाँ, उल्टा कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, नहीं नहीं गलत बोल गया मैं, अंडू सारा, तराजू नहीं है ये। अच्छा, इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ, एक तरफ जो है ना ये वाला, इस वाले को मैंने दबा के ना पिंच कर दिया इधर वाले को, कि ये वैल्यू छोटी है, सही है, और वो वॉल्यूम का बटन देखा, पुरानी वाले टीवी में जो होता था वो ऐसे बना हुआ होता था यूं, ठीक है, असल में ये वही है, ये यूं है। अबे मैंने वैल्यू नहीं लिखी हुई ना यहाँ पे, वैल्यू लिखता हूँ, चलो पहले मैं उल्टा बोल गया था, वो मैंने कोई दूसरी एग्जाम्पल ला के इसमें फिट कर दी थी। अच्छा, इस पूरे को ही उड़ाता हूँ मैं, वैल्यू के साथ लिखते हैं, एक तरफ 5 है एक तरफ 7 है, ठीक है, तो अगर तो मैं बोलता ना इक्वल इक्वल,
कि भाई दोनों इक्वल है। अब मैं इसको क्या बोलूँगा कि भाई एक तरफ जो है वो कम है और दूसरी तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कम है उस तरफ ज़्यादा है, ये वॉल्यूम के बटन वाला चक्कर है कि इस तरफ करोगे तो कम होगा उस तरफ करोगे तो ज़्यादा होगा। अच्छा अगर वैल्यू चेंज हो जाए, इस तरफ वाला 15 हो जाए तो फिर मैं क्या लिखूँगा, फिर मैं लिखूँगा कि ये वाला ज़्यादा है, इस तरफ इस वाले को हटा दूँगा, बल्कि कंट्रोल जेड करके करता हूँ। अगर ये 15 हो जाएगा तो मैं फिर ये ऐसे लिखूँगा कि यार इस तरफ वाला ज़्यादा है, इस तरफ वाला कम है, ठीक है। और यहाँ पे आप समझे कि ये एक ना वो लगा हुआ है, एक नट बोल्ट के साथ लगा हुआ है, जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको नीचे ला सकता हूँ जब मैं चाहूँ और इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूँ। और ये मैं मेरा इंडिकेटर है ये कि इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कम है जी। हाँ किसमें क्या लिखूँ जाके गेजेस में, जो बड़ा वाला होगा उसको खाएगा क्रोकोडाइल। अच्छा ठीक है, तो मैं ऐसे करके समझता हूँ कि जिस तरफ छोटा है ना वो इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटर है। अगर इक्वल होता तो क्या होता, ये दोनों बराबर होते हैं कि इस तरफ भी जो है वो बराबर है और इस तरफ भी बराबर है। लेकिन अगर वो एक उसमें से छोटा होगा तो क्या होगा, वो एक को इंडिकेट करके बताएगा कि भाई यहाँ पे क्या है। ये मेरे पास मिसाल के तौर पर पुली लगी हुई है, तो अगर इस तरफ मुझे दिखाना है कम है तो मैं ऐसे इसको घुमा दूंगा थोड़ा सा, और अगर इसको दिखाना है कम है तो इसको ऐसे दिखा दूंगा। अगर मुझे बताना है कि इक्वल है तो मैं इसको ये कर दूंगा, दोनों साइड इक्वल कर दूंगा। वेल, तो ये एक छोटी सी एक बात थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी। अच्छा तो अभी के केस में क्या बताया हुआ इन्होंने कि इस तरफ वाले को इंडिकेट किया हुआ है कि ये छोटा है और इस तरफ वाले को इंडिकेट किया हुआ है कि ये बड़ा है। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। अगर ऐसा होता, अगर होता तो ये ट्रू रिटर्न करता, ठीक है। तो पहले तो इसको देख लेते हैं कि ये क्या वाकई फॉल्स रिटर्न कर रहा है। रिफ्रेश किया मैंने, इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, सही है। अच्छा तो अब मैं इसको रोक देता हूँ और अब मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं वाकई ऐसा कर देता हूँ कि इस तरफ एक छोटी वैल्यू डाल देता हूँ। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस तरफ जो वैल्यू है ये छोटी है, इस तरफ जो वैल्यू है ये बड़ी है। क्या ऐसा है? हाँ ऐसा ही है, ठीक है। तो अब ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या वाकई ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ट्रू रिटर्न कर दिया। अच्छा तो ये हो गया लेस देन, ठीक है, ये हो गया लेस देन, ठीक है। अगर इसको मैं जुमले में बोलूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, 4 is less than 5। मैं इसको ऐसे बोलूँगा जुमले में, अगर बोलूँगा मैं इसी बात को, ठीक है। और वैसे मैं अगर समझाने के अनुसार से बोलूँगा, मैं बोलूँगा इस तरफ की वैल्यू छोटी है और इस तरफ की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। दोनों तरह से इस बात को मैं कह सकता हूँ। अच्छा अब अगर इसके मैं साइन को उल्टा कर दूँ, ये वाला लगा दूँ, तो अब ये क्या कह रहा है कि इस तरफ की वैल्यू बड़ी है और इस तरफ की वैल्यू छोटी है। तो क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अभी ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। चल के देखते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, फॉल्स आ गया, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं इसको कर लूँ 5, क्या अब ये ट्रू हो गया? नो, अभी भी 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5। 5 जो है वो बड़ा नहीं है इस वाले 5 से। इसको एटलीस्ट क्या होना पड़ेगा? 5.1 होना पड़ेगा एटलीस्ट, या 5.0001 होना पड़ेगा एटलीस्ट। नंबर है ना, क्योंकि तो जब जाके ये बड़ा होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अगर पूरा 5 है तो फिर बड़ा नहीं होगा। अच्छा तो अब देख लेते हैं, अभी क्या ये ऐसा हो चुका है, इस तरफ वाला बड़ा हो गया, अब हो गया बड़ा। देखते हैं क्या रिटर्न करता है, ठीक है। ट्रू हो गया। अगर मैं ये 1 हटा दूंगा ना कोने से 5.000, तो फिर ये बड़ा नहीं है, ये इक्वल है, फॉल्स हो गया, सही है। तो 5.001 होना जरूरी है, मतलब जितने भी जीरो हो लेकिन आखिर में 1 होना चाहिए, एटलीस्ट
एक डेसिमल पॉइंट ऊपर हो तो फिर ये बड़ा होगा, अदरवाइज ये अभी ये क्या हो चुका है, ट्रू हो चुका है, ठीक है। अच्छा अब आया असल इम्तिहान उन लोगों का जिनको थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आती है जो थोड़ी बहुत आती है ना वो भी बुला दूंगा आज मैं अच्छा अब मैंने यहाँ पे लिखा है 5 और मैंने कहा है कि 5 इज लेस देन 10। अब मुझे बताओ कि ये ट्रू है या फॉल्स है और क्यों है। अगर जो बोलता है ट्रू है वो तो वो बताएगा कि ट्रू उनको क्यों लगता है कि ट्रू है, और जो अगर कह रहा है कि फॉल्स है तो क्यों आपको लगता है कि ये फॉल्स है। तुक्के वाला केस नहीं चल रहा है यहाँ पे, डेटा टाइप सेम नहीं है तो आपका क्या ख्याल है, एरर दे देगा ये। अब यही सवाल है मेरा कि आपको क्या लगता है कि क्या आएगा। आप जो प्रीवियस बैकग्राउंड है आपका, जो थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट सबने पढ़ी हुई है यहाँ पे, तो उसको ज़रा इस्तेमाल करें, थोड़ा दिमाग गड़ाएं और मुझे बताएं कि क्या आना चाहिए। आया कि एरर आ जाएगा, स्ट्रिंग को इंडेक्स नंबर से कैसे, नहीं पहले तो ये बताओ ट्रू आएगा या फॉल्स, पहले ये बताओ ट्रू आएगा, उसके बाद मुझे बताओ कि क्यों आएगा ट्रू। इंडेक्स क्या, इंडेक्स एक्सप्लेन करो। ये मैं बात नहीं सुन रहा, किसी को समझ आई इनकी बात? अच्छा ब्रेन स्ट्रोमिंग का सवाल है, वो सही गलत नहीं हो तो मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ तुम लोगों से तो अगर तुम लोगों को आती होती तो यहाँ आते क्यों हो? आंसर ट्रू आएगा तो क्यों आएगा ट्रू, ये भी तो बताओ। ट्रू जो आपने बताया, ट्रू क्यों लगता है आपको ट्रू है? नहीं वैसा तो चला के देख लोगे तो पता चल जाएगा कि ट्रू है या फॉल्स है, वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ट्रू आ क्यों रहा है? डेटा टाइप चेक नहीं करेगा। देखो दो तीन पॉसिबिलिटीज आप लोगों की तरफ से आई है। नंबर एक पॉसिबिलिटी तो ये आई है कि ये डेटा टाइप को चेक नहीं करेगा, ठीक है, और जो वैल्यू होगी उसको कंपेयर करेगा, जो आंसर होगा वो बता देगा, ठीक है। एक तो पॉसिबिलिटी आई है। दूसरी पॉसिबिलिटी आई है आपकी तरफ से कि स्ट्रिंग के वो कोई इंडेक्सेस वगैरह को चेक करेगा कि स्ट्रिंग में कितने लेटर्स हैं, ये आप शायद कहना चाह रहे हैं। अगर वो एक लेटर है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 कंसिडर करेगा, एक ये पॉसिबिलिटी आई है। और कोई पॉसिबिलिटी, और किसी के जहन में कोई बात आ रही है? नहीं, चलता जाएगा, लेकिन आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्यों? इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी आपको लगता है कि सही है, या कोई दूसरी बात आप बताना चाहें? डेटा टाइप चेक नहीं करेगा, ये वाली पॉसिबिलिटी सही है। अच्छा चलो पहले तुम चला के देखते हैं, क्योंकि ट्रू आ गया, ठीक है, ये तो आप सब लोगों ने चलाकर देख लिया कि ट्रू आ गया, लेकिन ये ट्रू क्यों आया? एक ये सवाल है कि ये नंबर था शायद इस वजह से ट्रू आया, ठीक है, वो डेटा टाइप उसने चेक नहीं किया। तो हम एक काम करते हैं, दोनों को फिर स्ट्रिंग में कर देते हैं। दोनों को स्ट्रिंग में कर दिया मैंने, डेटा टाइप तो अभी भी चेक नहीं करेगा ये, अगर पहले नहीं किया था तो, ठीक है। अब देखते हैं क्या रिपोर्ट है, अब फॉल्स आ गया ये थ्योरी तो फेल हो गई, ये क्या हुआ? अब सोचो, दिमाग लड़ाओ। स्ट्रिंग को बाइनरी में कैसे, अगर एम्प्टी होगी तो जीरो करेगा, मतलब अगर इसको मैं एम्प्टी कर दूं तो फिर ये जीरो हो जाएगा, तो फिर ट्रू हो जाना चाहिए, ट्रू हो जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, ट्रू हो गया। हाँ भाई, इन्होंने एक नई थ्योरी पेश की है। अच्छा जीरो पे भी ट्रू ही है, टू पे फॉल्स हो गया, टू पे फॉल्स, ये क्या ये था यार? वन पे क्या है? वन पे भी ट्रू है, जीरो पे ट्रू है, वन पे ट्रू है, वन करता हूँ टू करता हूँ तो फॉल्स हो जाता है, टू पे जाके फॉल्स हो जाता है, फिर फाइव पे भी फॉल्स रहता है, टू से पहले जीरो लगा दूँ तो ट्रू हो जाएगा। हाँ ट्रू हो गया,
हाँ 2 मिनट में भेजता हूँ। पहले आप लोगों से ज़रा पॉसिबिलिटीज तो ले लो सारी। अच्छा अब थोड़ा सा मैं और इसको वो कर देता हूँ, देखो कैट लिखा हुआ है और एक तरफ कैट लिखा हुआ है, अब ये क्या ट्रू है या फॉल्स है? देखो हो सकता है ना, हो सकता है कि नंबर के अलावा कोई और डेटा टाइप आ जाए तो फिर क्या करें भाई। ठीक है मैं भी देखता हूँ चला के क्या है। फॉल्स है ये, कैसे इसने पता लगाया कि फॉल्स है? ठीक है मेरा भी यही ख्याल है कि एस्की कैरेक्टर को ये चेक करता है। ठीक है मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था 5 और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था 9। ठीक है तो 5 को नहीं देख रहा, ये 5 के पीछे जो एस्की का कैरेक्टर है ना, हमने याद है पढ़ा था कि डेटा सेव कैसे होता है, असल में तो ये हमें लग रहा है ना कि स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग थोड़ी है, ये तो मेमोरी में तो नंबर ही सेव है ना भाई, ये हमने देख लिया था शुरू में ही कि मेमोरी में असल में क्या होता है, हर कैरेक्टर को एक नंबर असाइन हुआ है। मिसाल के तौर पे जो कैपिटल लेटर का ए है इसका क्या है 65 है जो पीछे कैरेक्टर है। अच्छा और कैपिटल लेटर का जो बी है इसका क्या है 66 है, तो इसका मतलब ये ट्रू होना चाहिए, ये ट्रू हो जाना चाहिए ना, देखते हैं क्या होता है अगर तो ये थ्योरी सही है तो अब ये ट्रू है। ठीक है अच्छा स्मॉल लेटर का जो ए है उसका क्या है 97 है, तो एक तरफ 97 एक तरफ 67 अब ये फॉल्स हो जाना चाहिए। ठीक है फॉल्स है, तो असल में हो ये रहा है कि ये क्या करता है, जो भी कैरेक्टर आता है या जो भी लेटर आता है उसके एस्की कोड को चेक कर रहा है। ठीक है या मैं अगर उसको आपको बोलूँ कि मैं और अच्छे अंदाज में आपको ये बात समझाऊँ नॉन टेक्निकल अंदाज में, तो डिक्शनरी ऑर्डर को ये चेक करता है, कैट और डॉग में से डिक्शनरी ऑर्डर में पहले कौन आता है? कैट पहले आती है, ठीक है डॉग बाद में आता है। ठीक है तो देख लेते हैं ट्रू हो गया। ठीक है कैट पहले आती है डॉग बाद में आता है, तो कैट छोटी है डॉग बड़ा है, तो डिक्शनरी ऑर्डर चेक करता है। अगर मैं स्ट्रिंग के ऊपर लगा दूँ ना कंपैरिजन ऑपरेटर लेस देन ग्रेटर देन का, तो उसके वो डिक्शनरी ऑर्डर को चेक करता है कि कौन सा डिक्शनरी ऑर्डर में पहले आएगा। ठीक है जाहिर है सी से शुरू हुआ है तो पहले आएगा डिक्शनरी में, डिक्शनरी देखी है ना सब लोगों ने, यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं बैठा हुआ जिसने डिक्शनरी देखी नहीं हो, फिजिकल डिक्शनरी जो बुक होती है कोई है ऐसा जिसने ना देखी हो? ठीक है फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बड़ा हो गया था, मैंने डिक्शनरी देखी नहीं थी होती कैसे। ठीक है मुझे लिटरली नहीं पता था कि डिक्शनरी ऑर्डर क्या है, तो मैंने अलग से जाकर देखा डिक्शनरी को कि अच्छा है डिक्शनरी कैसी होती है, क्योंकि मैंने जाहिर है जिस ज़माने में आँख खोली है Pentium 3 के ज़माने में आँख खोली मैंने, तो उस वक्त अच्छा बच्चों को तो डिक्शनरी का पता वैसे ही नहीं होता, बच्चों को तो नहीं देते ना वो 6 5 6 क्लास तक, वो टीचर ही बता रहा होता है वर्ड मीनिंग याद करवा रहे होते हैं, उसके बाद जाके कहीं वो बुक वगैरह का और डिक्शनरी का वो पढ़ता है, तो वो उस वक्त तक मोबाइल फ़ोन आ चुके थे सबके पास और इंटरनेट भी थोड़ा बहुत आ गया था, तो कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता था वर्ड इन डिक्शनरी, तो मैं वो यूज़ करता था वर्ड इन, ये डिक्शनरी है तो ये मैं यूज़ करता था, तो मुझे असली डिक्शनरी ना पेपर वाली जो है उसका पता ही नहीं था कि वो होती कैसी है, तो फिर मैंने जाके ना असली डिक्शनरी को देखा। असली डिक्शनरी कैसी होती है कि आप पहला पेज खोलेंगे उसमें ए से शुरू होने वाले सारे कैरेक्टर होते हैं। ठीक है पहले जो है ना वो ए ए ए फिर ए बी फिर ए सी फिर ए डी और फिर पूरा जेड तक जितने भी आते हैं, फिर उसके बाद बी से कैरेक्टर शुरू होते हैं, फिर बी ए फिर बी बी फिर बी सी सही है फिर बी डी ऐसे पूरा चलता है, फिर सी शुरू हो जाता है, फिर आखिर में पूरा जेड तक जाता है, और पेज के टॉप के ऊपर ना एक वर्ड लिखा हुआ होता है कि भाई इसमें कौन सा चल रहा है, इसमें चल रहा है एफ ए, यानी एफ से शुरू होने वाले सारे वर्ड है इसमें एफ ए से। ठीक है तो सबसे पहला फैट है मिसाल के तौर पर, फिर एफ बी से शुरू हो जाएंगे, फिर एफ सी से शुरू हो जाएंगे, ठीक है फिर एफ डी से शुरू हो जाएंगे, जैसे एफ डी ए एक वर्ड है, तो ये डिक्शनरी ऑर्डर ये होता है अगर जस्ट इन केस किसी को नहीं पता है तो। ठीक है मुझे पता है क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे उनको नहीं पता होगा, तो चलो भाई नमाज़ पढ़ के आ जाओ जल्दी से, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं आगे चलाते हैं अपनी क्लास को।